कि कितने दुखी हैं हम कि वैसे वैसे लोगों को हम लोग चुन देते हैं और वो आकर के यहाँ मजा उठा रहे हैं। आप ही बता दीजिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर दिए हैं मोदी जी। तो धर्म हम लोग का तो जब हम ही लोग नहीं बचेंगे तो धर्म बच पाएगा क्या? फिर 24 में क्या चाहते कि 24 में एक बार और बटन दबा के उनको मजा मारने के लिए छोड़ दे? तो जब भोजन ही ना हो तो हिंदूगिरी किस बात की? और सबसे पहला बात अगर करेंगे तो दारू के मामला में, तो हमारा दारू बंदी से हमारा बिहार बर्बाद हो गया है। और सबसे पहले तो मेरा नाम अभिषेक यादव है और हम बिहार के सबसे छोटे से जिला शिवहर से इस जंतर मंतर की धरती पर शिवहर रेलवे की लड़ाई को लेकर के एक धरना प्रदर्शन में आए हैं। क्या मांग है आपको? देखिए, हम लोगों का मांग एकदम साफ क्लियर है। शिवहर बिहार का एक ऐसा जिला है जो सबसे पिछड़ा है और वहाँ पर अभी तक उसके मैप में रेलवे लाइन नहीं गुजरा है। आप इस बात को समझ लीजिए, बिहार का ऐसा जिला जहाँ रेलवे लाइन किसी भी गांव से होकर के, यानी उसका मैप निकालेंगे तो वहाँ से होकर के नहीं गुजरा, वैसा जिला है। उस जिले को रेलवे की लड़ाई, जब मोदी जी 2014 में चुनाव प्रचार करने आए थे तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने हमारे किसान मैदान में आके कहा था कि शिवहर को रेलवे देंगे अगर हम सरकार बनाते हैं और यहाँ से आप लोग सांसद बनाते हैं तो वहाँ पर रेलवे निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के वोट किया, लोगों ने खूब सपोर्ट किया, उन्हें सांसद भी रामा देवी को बनाने का काम किया और भाजपा की सरकार भी बनी, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक रेलवे नहीं मिल पाया है और हमारा जिला समस्याओं से घिरा हुआ जिला है, यानी समस्या का अंबार खड़ा है वहाँ पर। क्या क्या समस्या होती है आपको अगर आप? सबसे पहली बात आप बता दीजिए तो हमको डेवलप करने के लिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो शिक्षा इतना जरूरी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ जान लीजिए, हमारा जिला भारत का शायद ही पहला ऐसा जिला होगा जहां डिग्री कॉलेज नहीं था। 2017 से पहले डिग्री कॉलेज नहीं था। आप लोगों ने मांग नहीं की कभी डिग्री कॉलेज? अब आपको बताते हैं, 2017 से पहले डिग्री कॉलेज नहीं था, यानी इंटर कर ला आ चल जा दोसर जिला में भटका ही रहा तब बीए करे के हुई, ना तो उससे पहले बीए ना करवा बउआ, समझ गया? तो वही बात है। तो उसके बाद हम लोगों ने लड़ाई शुरू की 2015 से और 17 में हम लोगों ने वहाँ पर अनुकंपा पर एक समझिए हम लोगों को डिग्री कॉलेज मिला, फिर एडमिशन लिए, फिर उसकी मान्यता खत्म हो गई, फिर लड़ा, लास्ट में आत्मदाह का अनाउंसमेंट किया, तब जाकर के सरकार वहाँ पर कॉलेज खुला। आज भी हम लोग, आप लोग ग्रेजुएट 3 साल में करते हुईगा, हम लोग 5 साल 5.5 साल में ग्रेजुएट करते हैं, बूझ लीजिए हम लोग कितना तेज लोग हैं और बिहार शिक्षा में कितना आगे है, आप खुद सोच सकते हैं। सरकार खुद बिहार का विकास होता जा रहा है। विकास हो नहीं रहा है, बगल में जदयू कार्यालय है, यही हमारे लगभग 17-18 साल से मुख्यमंत्री है। और आप सोच लीजिए ना कि हम 5.5 साल में ग्रेजुएट करके आते हैं तो कितना विकास होता होगा। हम शिवहर से जहां हमको पढ़ना लिखना चाहिए था, अपनी रोजगार की चिंता करनी चाहिए थी, वहां आकर के जंतर मंतर पर भटक रहे हैं। काहे भटक रहे हैं जी? हमने तो सांसद चुना था कि हमारी आवाज़ सदन में जाकर के उठाएंगे, लेकिन अगर निकम्मी निकल गई तभी तो हमें यहाँ कर उठाना पड़ रहा है। आए अभी रूम में बैठ कर टीवी पर देख करके रिमोट दबा रही होगी, जी न्यूज नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रही होगी, नरेंद्र मोदी का प्रचार सुन रही होगी और अपने बेटा परिवार के साथ ऐश मौज कर रही है और 3000 का खाना 3 रुपया में खा रही होगी और संसद भवन जैसा चिकना जगह पर झाड़ू चला रही है, यही तो कर रही है। बाकी क्या कर रही है जी? क्या कर रहे हैं? मोदी जी से नाराज नहीं है सर, हम अपने आप से नाराज है, हम अपने शिवहर वालों से नाराज है यार, कि कितने दुखी हैं हम कि वैसे वैसे लोगों को हम लोग चुन देते हैं और वो आकर के यहाँ मजा उठा रहे हैं। बिल्कुल गलती कर दिया हम लोगों ने, एक नया उम्मीद आया था कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन के बाद अब खराब दिन भी आ गए, इतने खराब आ गए कि फिर हर लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। आप बिहार चले सुन लीजिए, आप जब बिहार जाएंगे ना तो बिहार में देखिए तो होमगार्ड आंदोलन कर रहा है, शिक्षक आंदोलन कर रहा है, गार्ड आंदोलन कर रहा है, यानी छात्र आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, मजदूर आंदोलन कर रहा है, महिलाएं आंदोलन कर रही है, लड़कियां आंदोलन कर रही है। भाई साहब, छोड़ा किसने आपको? किसकी विकास की है आपने? आप हमें जवाब दीजिए, किसका हो रहा है विकास? अगर जब विकास होता सभी खुश होते तो सब रोड पर क्यों होते?
हर तरह से लोग, आप चलिए सरकारी दफ्तर में चलेंगे तो कार्यपालक सहायक आंदोलन कर रहा है, पदाधिकारी आंदोलन कर रहा है, एडवोकेट आंदोलन कर रहा है, तो बिहार तो आंदोलन का हब बना बैठा है। अब सभी को मोदी जी काम तो कर रहे हैं ना, उन्हें और मौका दीजिए। अरे आप बताइए मुझे क्या कर रहे हैं मोदी जी, आप ही बता दीजिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर दिए हैं मोदी जी। अरे यार हमारा पेट सुरक्षित होगा तभी तो हम धर्म सुरक्षित करेंगे, हम ही जिंदा ना रहे तो क्या, कहाँ का धर्म, किसके लिए धर्म है, धर्म किसके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, मनुष्य के लिए, मानव के लिए, आदमी के लिए। तो आदमी ही अगर ना रहे तो फिर किस बात की धर्म की बात कर रहे हैं, किसके लिए धर्म रखेंगे, किसकी रक्षा की बात कर रहे हैं, आप हमको बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, किसकी रक्षा करेंगे आप बताइए ना मुझे, किसकी रक्षा करेंगे, धर्म की भी करेंगे और इंसान की भी करेंगे। अरे धर्म किसके लिए है, हम लोगों के लिए, तो धर्म हम लोग का, तो जब हम ही लोग नहीं बचेंगे तो धर्म बच पाएगा क्या, तो सबसे पहले हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लीजिए फिर धर्म बचेगा। इंसान बड़ा है धर्म, इंसान बड़ा है, आप जन्म लोगे तभी तो धर्म की पता चलेगी, आप जन्म ही नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा, जन्म से पहले किसी को पता था क्या क्यों धर्म में है। आप सर्व, आप जाओ राम मंदिर पे रहो, राम मंदिर बनवा दिए, आप तो जानते हैं कि राम जी का कहानी हमारे बिहार से जुड़ा हुआ चीज है कि नहीं, सीता मैया हमारे यहाँ से आती है, हम उस धरती में जन्म लिए हैं, उसी नाम पे हमें रेलवे दे दो, आप उसी धरती को रेलवे दे दो, रेल से जोड़ दो। आपको बता रहे हैं इतने दिन वेट कर लिए हम लोग, हमारा जिला 1994 में बना और अभी तक तो रेलवे मिला नहीं, फिर 24 में क्या चाहते कि 24 में एक बार और बटन दबा के उनको मजा मारने के लिए छोड़ दे, नहीं अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोई मौका नहीं देने वाले हैं। हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार अगर आप नहीं सुनते हैं तो सांकेतिक रूप से हम लोगों ने दिल्ली में जंग का ऐलान कर दिए हैं, और हम लोग यहां से जाने के बाद तुरंत बाद एक डमी ट्रेन तैयार कर रहे हैं, जो ट्रेन हम लोग अपने पैसों से तैयार कर रहे हैं, वो ट्रेन गांव-गांव घूमेगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, और वो ट्रेन एक हजारों लोगों के साथ, हजारों मजदूरों के साथ, हजारों शिवहर वासियों के साथ पैदल अगली बार दिल्ली हम लोग पहुंचेंगे और रेलवे की मांग करेंगे। निजीकरण बढ़ता जा रहा है, लोगों को रेलवे से निकाला जा रहा है, जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात भी होती है, विश्व मीडिया में बात होती है कि पठान मूवी का क्या किया जाए। देखिए बार बार ये भाजपा वालों का एक ट्रेंडिंग है कि अगर जैसे ही आप रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, इन तमाम चीजों का मांग करना शुरू करेंगे ना, हल्का सा जगह तैसे ही कोनो रंग का मामला, कोनो मुसलमान का मामला, कोनो जात का मामला, तो कोनो मंदिर का मामला, कोनो मस्जिद का मामला लाके आपके बीच में वो बम छोड़ देंगे। अब उसी पर ये जो बड़का बड़का टीवी चैनल वाला लोग, पत्रकार लोग है, ओकरे दिखाएंगे, सुबह से निकालिए तो सीधे कहेगा पठान मूवी, पठान मूवी। अरे भाई साहब पठान मूवी से हमको क्या मतलब है, वो जाने शाहरुख खान जाने वो, हमको क्या मतलब है, हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे जिला में कितना भाई साहब, हम इंसान भी तो है, आप हमारा, हम इंसान भी तो है, हम इंसान भी तो है, हमारे पेट में भोजन होगा तभी तो हिंदू गिरी, तो जब भोजन ही ना हो तो हिंदू गिरी किस बात की, और हमें उस पठान मूवी से कोई मतलब ही ना है। क्या बोल रहे हैं, देखिए हमको उससे कोई आहत ही नहीं है, वो एक काल्पनिक कहानी होती है फिल्म, समझ गए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस रंग के बनते हैं, जिस रंग पे लोग उस तरह का करते हैं, उससे हमको नहीं जाना है। हम मेन मुद्दे आज आप भी बातें करेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं की बात है उस पर ज़्यादातर हम बातें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए वो पठान मूवी इम्पोर्टेंट नहीं है सर, हमारे लिए रेलवे इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए सड़क इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कॉलेज इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए वहाँ के इंसान इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार भी तो यही तो हाल है ये लोगों का, तो देखिए आज वो राज करेगा, कल वो राज करेगा, ये सब का तो वही लोग, एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं,
सभी लोग आज उसके साथ, वो कहेगा मिट्टी में मिल जाऊंगा तो इसके साथ नहीं जाऊंगा, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। आज जैसे ही तनिक सरकार बनाने की मौका मिली, वो पैसा से उसको खरीद लेगा और सब सरकार बनाकर फिर मजा लेने लगेगा। तो ये तमाम चीजें बनी हुई है। एकदम निश्चित तौर पर उन्हीं के शासन काल में हमारा शिवहर जिला बना था, सीतामढ़ी से अलग होकर के रेल लालू जी के राज में हुई थी, समझ गए, उन्हीं के राज में हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य है उस वक्त से हम लोग ऐसे ही खेला खेल रहे हैं और देखते आ रहे हैं। हाँ, अब शराब सिंह महोदय का बात करेंगे, मौत की बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि बिहार में शराब बंद है लेकिन घर घर में शराब मिल रहा है। तो सरकार अपना अपना जो प्रचार होता है ना, प्रचार कर रही है कि वहाँ दारू बंद है और घर घर में दारू मिलना शुरू हो गया है। और सबसे पहला बात अगर करेंगे तो दारू के मामला में, तो हमारा दारू बंदी से हमारा बिहार बर्बाद हो गया है। और सबसे ज़्यादा 18 साल से लेकर के और जो 30 साल के युवा है वो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है। उसमें गांजा, भांग, सिगरेट, ड्रग्स, वाइटनर, ये तमाम चीज़ें लोग पीना शुरू कर दिया। क्या क्या चीज़, बॉन्ग, शिखर, गुटखा, क्या क्या चीज़ का बढ़ावा मिल गया है एक दारूबंदी के बाद। मतलब लोग छुप छुप कर पीना शुरू कर दिया है और शराब से मौत तो हो रही है। सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि शराब से जो मर रहा है वो पिएगा, वो मरेगा। तो तमाम लोग अपना, सब लोग राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं, जनता का ख्याल की लोगों को नहीं जी। मोदी जी से तो यही कहना चाहेंगे कि आपसे अभी भी विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि जो आप शिवहर अगर आपके मैप में है, आपके बिहार और आपके भारत के मैप में अगर है, तो आप हमको रेलवे दे दीजिए और शिवहर के विकास पर आप ध्यान दीजिए।